अरे भाग भैया भाग, नहीं तो ब्लेड चल जाएगा, तेरी जोर चलेगा भाई, सबकी कांपता है, लहूलुहान हो जाओगे, हैरान मत होगे। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जब भाई सब सुबह के 7 या 7:30 बज रहे होंगे, इतने भाई साहब एक अखिल श्रीवास्तव नाम का किशोर अपने घर से निकलता है, कक्षा 9 में पढ़ता है भाई साहब, साइंस स्कूल जा रहा था, साइकिल चलाते हुए जा रहा था, इतने बोतल गिर जाती है, बोतल गिरते भाई साहब कुछ नौजवान न जाने कैसे थे अज्ञात है भाई साहब, हमला कर बैठते हैं, पहले भाई साहब ब्लेड मारते हैं, उसके बाद बोतल मारते हैं, फिर दौड़ाते भाई साहब पूछो ना भैया, भगा भगा मारते हैं, और ऐसा भाई साहब ब्लेड चला के कांपता है, हम देखे भाई साहब तो शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, आपको हम दिखा नहीं सकते, बड़ा यूट्यूब बंद कर देता है, फिर से कहा बताए, मामले की जानकारी भाई साहब स्वयं कक्षा 9 में पढ़ने वाला छात्र दे रहा है, वहाँ तो माथा गर्मा गया कि देखो भैया देखो बाराबंकी का पुलिस प्रशासन कहा गया, फिर तो कोतवाल साहब को फोन लगाए थे, बोले कि देखो भैया देखो कार्रवाई में जुटे, पर भाई साहब देखो देखो बाराबंकी जब अंदर सुबह सुबह भाई साहब खुलेआम ब्लेड चलता है, ऐसा ब्लेड चलता कि कहा बताएं। अखिल श्रीवास्तव, क्या घटना हुई आपके साथ सुबह? हम सुबह स्कूल जा रहे थे तो हमारे बड़े चौराहे पे हमारी बोतल गिर गई, तो हम थोड़ा साइकिल आगे गए, तो हमको पीछे से एक आवाज़ आई कि भैया बोतल गिर गई, तो हम साइकिल रोक के जब बोतल उठाने गए, तो हम बोतल उठा के जब साइकिल मोड़ने लगे, तो हमको एक लोगों ने बहुत तेज़ थप्पड़ मारा, तो हमारे दिमाग में सिर्फ आया कि हम लोग पापा को फ़ोन करके बता दें हमको मारा है, तो सामने से एक हमारे जानने वाले अंकल आ रहे थे, तो उन्हीं को हम उनके पास ही जा रहे थे मतलब, तो वो रुके नहीं क्योंकि वो शायद ईयरफोन लगाए हुए थे इसलिए, और जब हम आगे बढ़े तो सामने कीचड़ वाली रोड थी, तो हम साइकिल वाइकिल वहाँ पे कुदा दिए, लेकिन उसमें सब कीचड़ भर गया इसलिए साइकिल आगे नहीं बढ़ पाई, तो हम साइकिल वहीं छोड़ के पैदल भागने लगे, और जब पैदल भागने लगे तो हम आगे जब अमित टेंट हाउस के पास पहुँचे तो देखे तो फिर पीछे दिखाई पड़ रहे थे वो लगाते हुए, तो अमित टेंट हाउस के आगे मतलब एक जंगल टाइप का है, वहाँ पे हम सामने घर बने हुए थे, तो वहाँ जाने की कोशिश किए, लेकिन वो लोग हमें झाड़ियों में गिरा दिए, और वहीं पे हमारे वही जो तीनों लोग थे अज्ञात लोग जी, तो नहीं, नहीं उनको नहीं जानते क्योंकि वो लोग अपने मुंह में मास्क लगाए हुए थे, तीनों लोग काली शर्ट, दो लोगों को देखे थे हम काली शर्ट पहने हुए, एक लोगों को नहीं देखे थे क्योंकि वो हमारा मुंह पकड़े हुए थे, जो हमारे हाथों में ब्लेड से काट रहे थे, खाली हम उनका देख पाए थे, कहां, कहां काटे ये देखिए, सब यहां पे काटे हैं, यहां पे काटे हैं, बाकी यहां पे काटे हैं, तो बाकी शिकायत की नहीं की? हां शिकायत किए हैं, कोतवाली में रिपोर्ट दिए हैं, बाकी डॉक्टरी हो चुकी है सब, ढूंढ रही है पुलिस कहेंगे। अब कक्षा 9 में पढ़ने वाले भाई साहब छात्र की बात है, आपने सुनी भाई साहब, आपको बता दें कि स्कूल खुलने वाला, उसी को देखने के लिए छात्र जा रहा था, बाद में ये मत कहेगा कि स्कूल बंद था तो काहे जा रहा था छात्र, वैसे कहा बताएं, बाराबंकी जाऊँ भाई साहब घर से बाहर निकलने से पहले सावधान हो जाना, कहीं किसी ने ब्लेड मार दे तो कहा बताएं, वैसे भाई साहब देखना ये कि बाराबंकी जाऊँ के पुलिस अच्छे के नाम प्रसाद जी पर क्या कार्रवाई करते, फिलहाल बाराबंकी जब से उत्तर प्रदेश के लिए विकास रिपोर्ट।